हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। इस समय मैं हूँ प्रतापगढ़ जंक्शन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे पे लिखा है, और ये भाई साहब बता सकते हैं प्रतापगढ़ जंक्शन पर है कि नहीं हम लोग। हाँ, अब यहाँ से अब हम लोग चलेंगे मनगढ़, जो कि एक प्रसिद्ध धाम है। वहाँ पे हम लोग चलेंगे, घूमेंगे, टहरेंगे। आज के ब्लॉग में वहाँ की सारी वीडियो होंगी, तो आज चलेंगे वहाँ पे, हम बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कम से कम उस बच्चे के लिए, वो जो बच्चा है उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो में बने रहिए, चलिए आगे चलते हैं। बाय बाय। मिलवाता हूँ दो ब्लॉगर से, एक है चंद्रकेश और एक है आशुतोष। मिलिए आशुतोष भाई, इधर देख कर। और इनका नाम है अभिषेक, अभिषेक, चंद्रकेश और आशुतोष। सभी लोग इंट्रो बना रहे हैं। ये भाई साहब इंट्रो बना के आ गए हैं, और इधर भाई साहब इंट्रो बना रहे हैं, और उधर जंगलेटर चल रहा है, इधर पानी आता है, इधर पानी वाला खराब हो चुका है, यहाँ माइक लगी है, यहाँ पे बैग रखा हुआ है, यहाँ कुर्सी रखी है, कोई नहीं बैठा है, वहाँ पे गाड़ी लेके जा रहे हैं। अभी मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, देख रहे होंगे इतनी धूप में मैं सीढ़ियों पे कैसे चढ़ रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है सीढ़ियों पे चढ़ना, और आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि कैसे लोग अपना इंट्रो बनाते हैं। मंदिर है जो कृपालु महाराज के नाम से बहुत ज्यादा इस समय लोग काफी भीड़ होती है, अक्सर से ज्यादातर नए साल पर भीड़ होती है। तो आज हम लोग अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। मेहनत से ये लोग कितनी मेहनत से ये लोग इंट्रो बनाते हैं, देख लीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे बेचारे। इन लोग की वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और हम कितनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर आके इतनी बड़ी धूप में। आप देख सकते हैं इतना धूप है, और मैं इतनी ऊंचाई पे आ गया हूँ। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे इस संघर्ष के लिए। और बहुत अच्छा हम लोग का कट चुका है, और बहुत ठंडे हो गए हैं। इतने जोश के साथ हमने इंट्रो बनाया था प्रतापगढ़ स्टेशन पे, लेकिन जैसे ही यहाँ से पता चला कि यहाँ पे आके, अब यहाँ से मनगढ़ 90 किलोमीटर है, वाट लग गई है। मतलब रूम से अगर आते हम लोग तब भी वहाँ से 70-80 किलोमीटर, अब यहाँ स्टेशन पे आके इतनी दूरी से तब भी यहाँ पे, मतलब कि हम लोग, मतलब कि चलने से पहले सर्च करना चाहिए मैप पर डिस्टेंस कितना है। यहाँ आने के बाद सर्च कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितने बड़ी आप एक अनुमान लगा लीजिए, अगर कोई छोटा ब्लॉगर बड़े ब्लॉगर के साथ जाएगा तो क्या वो पहले सर्च करेगा? हमारे साथ बड़े ब्लॉगर बैठे हैं, जो कि बड़े और महंगे ब्लॉगर हैं। सबसे जोशीले इंसान यही थे कि चलना है, चलना है। आज पता नहीं कितने दिनों से जो है इनकी प्लानिंग थी, लेकिन आए आज ये फंस गए, बाट लगी है, क्या करे, किधर जाए, इधर जाए, उधर जाए, नहीं समझ में आ रहा है। देखते हैं, अब यहाँ से रिटर्निंग शाम को 7 बजे ट्रेन है, और प्रयागराज जंक्शन के लिए 4 बजे शाम को ट्रेन है। देखते हैं, बैठे हैं, अब क्या करेंगे क्या नहीं देखा जाएगा। A few moments later. काफी देर हम लोग बैठ के डिसाइड किए कि अब कट गया है तो अब क्या किया जाए। तो यहाँ से पास में बेला देवी मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोगों ने जाने का डिसाइड किया। मंदिर 15 किलोमीटर दूरी पर शनिदेव मंदिर है, जो कि दोनों जगह चल करके आप लोगों को भी वर्चुअल दर्शन करवाएंगे, और हम लोग तो चल ही रहे हैं, साक्षात दर्शन करेंगे साथ में। तो अब ये जोश हम लोग का काफी ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि अब पैदल जाना है, कुछ दूर पैदल जाना है, उसके बाद फिर ई रिक्शा गाड़ी वगैरह पकड़ेंगे। तो चलते हैं, फिर दिखाते हैं वहाँ की वीडियो वगैरह। हम लोगों ने फाइनली अपना डेस्टिनेशन चूज कर लिया है, बेला देवी मंदिर। ट्रेन छोड़कर अब हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। आप लोग हम लोग के हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, दो लोग आगे बैठे हैं, दो लोग पीछे बैठे हैं, एक लोग आगे चला रहे हैं, पायलट साहब जी वो आगे चला रहे हैं। हम लोग आप लोग को आसमान की चीजें दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। आसपास कोई ना तो गाड़ी है, ना तो जो है एरोप्लेन और कोई दिख रही है, सभी टू व्हीलर आसमान में चल रही है। एरोप्लेन आसमान के रास्ते में देख लीजिए, इतने एरोप्लेन आते जाते हैं, कुछ तो कुछ जेट विमान है, तो कुछ बड़ी जो है एरोप्लेन है, कुछ रनवे पे चलने वाली है, कुछ लोग देखो ऐसे बीच रास्ते में मोड़ ले रहे हैं। देख लीजिए ऐसे हेलीकॉप्टर आसमान में चला रहे हैं लोग, बताइए अब हम लोग क्या करें, बताइए ऐसे सिचुएशन में हैं, आज फंस गए हैं।
तो चलिए अब चलते हैं, रास्ते को आप लोग को दिखाते हैं, बाकी मंदिर को पहुंच के वहां पीछे दिखाते हैं। मेरे बड़े यूट्यूबर मेरे साथ महंगे हमारे महंगे यूट्यूबर सामने बैठे हुए हैं और इनके साथ हैं इनके मित्र जो कि एक हमारे छोटे यूट्यूबर हैं, इनके भाई हैं। तो अब हम चारों लोग पांचों लोग आसमान में उड़ रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं बार बार। लोग अपने हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं यहाँ पे, अब इधर है बेला देवी मंदिर और चलते हैं मंदिर में दिखाते हैं। महंगे यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर जी सलाह ले रहे हैं और पूछ रहे हैं मंदिर के बारे में कि क्या है कैसे है। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं जहां के लिए निकले थे हम लोग प्रतापगढ़ से मनगढ़ जाने के लिए, बट मनगढ़ नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने हेलीकॉप्टर पकड़ा था जहां आने के लिए, वहां पे पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं शानदार इधर मंदिर बनी हुई है। तो हम लोग आए थे बेला देवी माता मंदिर पे, तो ये पीछे पूरी मंदिर बनी हुई है। अभी हम लोग इस चीज को जो है दिखाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन इसके पहले हम लोग सबसे बढ़िया चीज दिखाते हैं। इधर पे कुछ लोग जो है मछली पकड़ रहे हैं, दिखाते हैं। देखिए काफी देर से यहाँ पे ये इस समय तो कम भीड़ है, लेकिन भाई साहब दोपहर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बहुत लोग यहाँ पे सारी पास में बाइकें खड़ी हुई थी, इतने लोग थे कि पूछो मत। खैर इस समय कम हो गए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग ये देखने नहीं आए हैं, हम लोग देखने आए हैं मंदिर। तो आशुतोष भाई हमारे कैमरामैन हैं जो कि हमारे इधर मंदिर को दिखाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं मंदिर को देखते हैं। हमारे इस संघर्ष को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है। चलिए हम लोग वीडियो दिखाते हैं आपको, आइए चलते हैं। तो आइए हमारे साथ आराम से। नहीं खुली है, चलिए जहां तक बन जाए वहां तक बाहर का बना लेते हैं पहले। क्या बजा है? चलिए चलते रहिए। अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है उसको दिखा रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति है, आप लोग दर्शन कीजिए, दिखाइए यहाँ से वैसे ही किए हैं। और सब इधर हम लोग आगे चलते हैं, उधर माता जी की मंदिर है उसको देखते हैं।
इधर दिखाइए, इधर यहाँ से एंट्री गेट है, मेरे पे इधर से एंट्री गेट है जो कि इधर मंदिर है। और शाम को 5 बज रहे हैं तो 4 बजे मंदिर खुलती है शाम के टाइम, तो इस समय लाइट हो रहा है और हम लोग अब मंदिर को देखते हैं आगे। मंदिर खुलते ही काफी भीड़ हो गई है, ऊपर से उठा देते हैं। आ रहे हैं हम लोग बेला माता के मंदिर का दर्शन कर लिए हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने इसको दिखाया है, अब इसके जस्ट अपोजिट ये है, इधर और भी मंदिर है उसको दिखाता हूँ। ये इस पूरे मंदिर का ये मेन मंदिर है जिनके नाम पे ही ये पूरी जो है मंदिर बनी हुई है, सभी मंदिर। तो अब इसके अपोजिट में हम लोग दिखाते हैं उधर साइड में और भी मंदिर बनी हुई है। कैट समर से हो अरे पाले को पानी डालते हैं। हाँ जय बजरंग बली। गणेश और इधर पंचमुखी हनुमान जी, माँ विंध्या महेश्वरी, अंबे जी माँ, अंबे माँ जी की मूर्ति है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारी चुनरी बांधी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी अपनी मान्यताएं मानते हैं वो लोग यहाँ पे चुनरी बांधते हैं कि हाँ ये हमारा कार्य सफल हो जाए या फिर ऐसा कुछ भी, तो अपनी मान्यता मानते हैं उसी के अनुसार यहाँ पे चुनरी बांधते हैं। तो अभी इधर भी और वो मंदिर अभी नहीं ओपन हुई है तो उसको भी अभी दिखाता हूँ। और इधर बगल में है सई नदी, सई नदी के जस्ट किनारे ही ये मंदिर सारी मंदिर बनी हुई है। तो ये मंदिर सई नदी के तट पर बना हुआ है और यहाँ पर दिखाओ, इधर दिखाओ, यहाँ पर जो है जो कोई मान्यताएं मानता है तो वहाँ पर एक चुनरी बांधता है। और इस साइड है शंकर भगवान की मंदिर और वो सामने जो देख रहे हैं वहाँ पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये मंदिर है
और ये है सई नदी और इधर घाट ये पूरा पक्का बना हुआ है। तो चलिए आप लोगों का आप सभी को हमने दिखाया आज की जो ब्लॉग है उसमें बेलहा माता जी की मंदिर के बारे में दिखाया जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ पे प्रतापगढ़ जंक्शन से 2 किलोमीटर के रेंज में है जो सई नदी के किनारे स्थित है और ये काफी अच्छा बना है। अगर आप यहाँ पे प्रतापगढ़ आते हैं या फिर यहाँ के आस पास निवासी हैं तो अगर आपको पसंद है ऐसी जगह पे घूमना तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। कैमरामैन प्लीज हम पे फोकस कीजिए, नीचे ना फोकस कीजिए। तो हम यहाँ की काफी चीजें आपको दिखाएं। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा।